गया है, तत्व ज्ञान स्थित है, और जब इसके बारे में जो नहीं जानता है तो वो क्या है, उसको संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ था क्या? अभी रिकॉर्डिंग तो ऑन हो हुआ है। गया हो यार, हो गया, अभी हुआ है, अभी और मेरे को आवाज आया तो ऐसा लगा कि वो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ वाला आवाज है। चलिए नहीं तो अभी तो मैम आप शुरू ही करोगे वैसे हाँ ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है कंद या फिर योनि के बारे में। तो ये पक्षी के अंडे के आकार जो मेढ और नाभि के मध्य में स्थित है। सॉरी, मैंने इससे पहले जब बतलाया था तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान करके बोल दिया था, है ना। तो जो कंद है, योनि है, उसके बारे में कहा गया है कि पक्षी के अंडे के आकार जो मेढ और नाभि के मध्य स्थित है और 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वहीं से फैला हुआ है। उनमें से ही क्या है, 72 नाड़ियां मुख्य है और उनमें भी प्रमुख 10 नाड़ियां कही गई है। देखिए यहाँ पर मेरे को खुद कॉन्फ्लिक्ट वाली बात लग रही है ना। कंद का स्थान जनरली हम लोग सब जगह कहाँ पर पढ़े हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच में होता है करके। अब इसमें कहा गया है कि मेढ और नाभि के मध्य में स्थित होता है करके, तो ये पॉइंट डिफरेंट हुआ। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ये जो कंद है पक्षी के अंडे के आकार का मेढ और नाभि के मध्य में स्थित है, और इसी कंद से, ये कंद है क्या, नाड़ियों का समूह, जाल है ना। तो इसमें 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वहीं से फैला हुआ है। मतलब जो सारी 72,000 नाड़ियां हैं वो कहाँ से निकली हुई है, कहाँ से निकली हुई है, कंद मेड कंद से से निकली हुई है, ठीक है। और उनमें से ये जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें से कौन सी है, 72 नाड़ियां मुख्य है और उन 72 में से भी क्या है, कौन सी 10 नाड़ियां हैं वो प्रमुख कही गई है। तो अब उन 10 नाड़ियों के हम नाम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले कहा गया है ईड़ा के बारे में। तो ईड़ा होती है हमारे नासिका के बाईं ओर, हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसमें कौन सा है, ईड़ा। ये जनरल वाली बात है एकदम, हम लोग सब जगह यही पढ़ते आए हैं, है ना। फिर पिंगला के बारे में बोला गया है कि नासिका के दाईं ओर, मतलब ये हमारे राइट नॉस्ट्रिल में रहती है, और दोनों के बीच में, लेफ्ट और राइट के बीच में कौन सी नाड़ी है, सुषुम्ना। फिर उसके बाद हमारी लेफ्ट आई में, मतलब बाई आंख में, वो होती है गांधारी, और दाई आंख में हस्तजीव, ठीक है। शुरू से क्लियर करें, लेफ्ट में ईड़ा, राइट में पिंगला, और दोनों के बीच में सुषुम्ना। फिर लेफ्ट में, मतलब आप लोग अपने अपने अंगों पर ऐसे हाथ रख के देखते जाइए, है ना, फिर याद हो जाएगा। तो फिर गांधारी है हमारी बाई आंख में, हस्तजीवा दाई आंख में। उसके बाद आता है, हम दाई आंख से ही डायरेक्ट किसको टच करेंगे, दाहिने कान को। तो दाहिने कान में है हमारी उषा, उसके बाद दाहिने कान से हम आ जाएंगे बाएं बाएं कान में, है ना। तो उसमें है यशस्विनी। अब इन दोनों के बाद हम आएंगे, नाक हो गया हमारा, आंख हो गया, उसके बाद कान, कान से हम आएंगे मुंह में। तो हमारे मुख में है अलम्बुषा। फिर अलम्बुषा के बाद जो कुहू है उसका स्थान है हमारे जननेन्द्रियों पे, और उसके बाद है संखिनी का स्थान है गुदा, मतलब एनस में, ठीक है। याद करने का इसका एक ही ट्रिक है ना, कि सबसे पहले किस में है, ईड़ा बाई में, पिंगला दाई में, सुषुम्ना है वो दोनों के बीच में, फिर गांधारी हमारे बाई आंख में, हस्तजीवा दाई आंख में, उसके बाद पूषा है दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में। वहां से हम आ जाएंगे अपने मुख में, मुख में है अलम्बुषा, उसके बाद कुहू का स्थान हमारी जननेन्द्रिय में, और संखिनी का स्थान गुदा में। देखिए इस वाले इमेज में, एक मिनट मैं जूम करती हूँ ना इसको, ये दिख रहा है ये, ठीक है। हाँ, इसमें अच्छे से आप लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या? जी मैम। एक मिनट, ये स्क्रॉल वाला बटन कहाँ चला गया। हाँ देखिए, ये हुआ सबसे पहले ईड़ा कौन सी आएगी हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, मतलब इस साइड क्या है, ईड़ा, है ना। एक मिनट, तो ये हुई हमारी ईड़ा इस साइड, ठीक है। फिर पिंगला हुई, कर्सर को देखेंगे, है ना आप लोग,
दिक्कत हो रहा है, रहा है ना। तो इस साइड मतलब ये समझ में आ गया ना सबका स्थान कहाँ पर है। चलिए ये याद करने वाली चीज है और उतना टफ भी नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे, है ना। तो संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है और प्राण मार्ग में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित है। तो देखो संपूर्ण शरीर में एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है, तो जो एक हुई हमारी सुषुम्ना वो इड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इन सब को छोड़ दें तो बाकी न हुए वो सब, तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो योग चूड़ामणि उपनिषद में शरीर में 9 द्वार के बारे में बतलाया गया है ना। अगर एक समझने की दृष्टिकोण से बोले तो संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है और प्राण मार्ग में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित है। अब इस ईड़ा की तुलना जैसे हमने किसी किसी ग्रंथ में पढ़ा है, तो ईड़ा को क्या बोला जाता है? गंगा। पिंगला को क्या बोला जाता है? नदी से तुलना की गई है ना। यमुना हाँ, यमुना यमुना। और यमुना सुषुम्ना को क्या बोला जाता सरस्वती 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 हाँ सरस्वती, है ना। तो इसमें ईड़ा को क्या बोला गया है? चंद्र, ये जान ही रहे हैं हम। पिंगला को बोला गया है सूर्य और सुषुम्ना को बोला गया है अग्नि, ठीक है। और जो सूर्य चंद्र एवं अग्नि देवता है ये प्राणों के वाहक हैं। तो ईड़ा की तुलना चंद्रमा से की गई है, पिंगला की सूर्य से और सुषुम्ना की अग्नि से, और ये जो तीनों देवता है प्राणों के वाहक हैं। अब आते हैं हम प्राण के बारे में। इतना दूर तक समझ में आया सभी को? चलिए अब पढ़ते हैं हम प्राण के बारे में, है ना। तो जान ही रहे हैं हम कि प्राण वायु है वो, इसमें टोटल 10 प्राण की चर्चा की गई है ना। तो प्राण है प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और उप प्राण है हमारे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो प्राण का स्थान बताया गया है हृदय में। क्या चीज डिफरेंट है आप लोग बताइएगा, ठीक है। प्राण का स्थान है हृदय में, अपान का स्थान है गुदा में, समान वायु का स्थान है नाभि में, उदान का स्थान है कंठ। उदान ऊपर है ना, ऊपर से करके आप लोग याद रखेंगे कि कंठ हमारे ऊपर में होता है बॉडी के, है ना। तो इस कारण उदान का स्थान है कंठ में और व्यान का स्थान है समस्त शरीर में। उदान का स्थान है समस्त शरीर में। उसके बाद नाग का कार्य है डकार लेना। जब हम डकार लेते हैं तो उसमें कौन सी वायु स्थित होती है? नाग वायु। उसके बाद कूर्म का कार्य है पलके झपकाना। उसके बाद क्रिकल का कार्य है छींकना। तो अन्य ग्रंथों में कहीं पर हमने क्रिकल का पढ़ा था, क्या होता है क्रिकल का जनरली कार्य? भूख प्यास मैम। हाँ, भूख प्यास से संबंधित होता है, लेकिन योग चूड़ामणि उपनिषद में दिया गया है कि क्रिकल का कार्य होता है छींकना। उसके बाद देवदत्त का कार्य है जमघाई लेना और धनंजय का कार्य है संपूर्ण शरीर में ये मृत्यु के पश्चात भी रहता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट क्या है? 10 प्राणों की चर्चा आप बहुत जगह पर पढ़ेंगे, है ना, और सबका कार्य भी लगभग समान ही रहेगा। अंतर इसमें क्या है कि केवल क्रिकल का कार्य भूख प्यास लगना ना हो करके इसमें बतलाया गया है छींकना, ठीक है। हुआ क्लियर सभी को? यस और नो? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब योग वेत्ता के बारे में बताया गया है कि प्राण अपान को खींचता है। एक मिनट ना, पानी के लिए। तो देखिए कहा गया है कि प्राण अपान को खींचता है एवं अपान प्राण को खींचता है, और इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आते जाता रहता है, एवं प्राण एवं जीव की इस अधः एवं ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया को जानने वाला ही क्या है? योग वेत्ता है ना। तो कहा गया प्राण हमारे किस कहाँ पर स्थित है? अभी पढ़ा ना हमने, प्राण हृदय स्थित होता है हृदय में। अपान कहाँ पर स्थित होता है? गुदा गुदा में, है ना। तो प्राण है वो अपान को ऊपर की ओर खींचता है क्योंकि अपान हमारे गुदा में स्थित है नीचे में। तो प्राण है अपान को क्या कर रहा है? ऊपर की ओर खींच रहा है, और अपान है वो प्राण को, क्योंकि प्राण अब ऊपर में है तो
तो वो उसको नीचे की ओर खींचा है ना, तो इसलिए ये जीव प्राण और अपान की क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, मतलब एक दूसरे को वो ऊपर और नीचे की ओर खींच रहे हैं, इसके कारण क्या है, वो निरंतर ऊपर और नीचे आते जाते रहता है। एवं प्राण एवं जीव की इस अधः एवं ऊर्ध्वगमन, मतलब प्राण है जो नीचे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, अधःगमन की प्रक्रिया, और जो अपान वायु को प्राण ऊपर की ओर खींच रहा है इसको बोलेंगे ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया। तो जो जीव है प्राण और अपान के साथ ऊपर नीचे आते जा रहा है ना, तो प्राण और अपान की इस अधः एवं ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया को जो जान लेता है उसको क्या बोलते हैं, योगवेत्ता कहते हैं। अब उसके बाद दिया गया है इसमें अजपा गायत्री के बारे में, तो जब हम पूरक करते हैं तो स की ध्वनि करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं, रेचक करते हैं, तो हकार की ध्वनि करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, हंस मंत्र बोला जाता है। और जब इसको उल्टा कर, सॉरी, इसको जब अभी सीधा हम पढ़ेंगे पूरक और रेचक के साथ, तब इसको सोहम मंत्र करके बोला जाता है, और जब उल्टा हमको पहले फिर स को बोला जाता है तब इसको क्या है, हंस मंत्र कहा जाता है। तो इसी को जब स जब हम पूरक करते हुए और ह की कार की ध्वनि रेचक करते हुए कहते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, अजपा गायत्री कहा जाता है। और दिन रात में निरंतर जप करना है, कितने बार हमको, 21,600। एक दिन में हम लोग टोटल कितने बार लेते हैं श्वास, 21,600 बार। इसी कारण क्या कहा गया है कि ये हंसों को भी अजपा गायत्री मंत्र बोलते है ना। हाँ वही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, अजपा गायत्री और हंसों को भी, दोनों को भी होता है ना। हाँ यहाँ पर डायरेक्ट यही हंस मंत्र करके ही दिया गया है ना, सो हम मतलब सीधा पढ़े चाहे उल्टा पढ़े दोनों का ही वो करके किया जाता है ना इसमें। हाँ इसीलिए ना, अगर अजपा गायत्री मंत्र बोले तो सोहम भी होता है और हंसो भी होता है, है ना। चलिए तो दिन रात में निरंतर जप करना है कितनी बार, 21,600 बार। किसका जप करना है हमको, अजपा गायत्री का, ठीक है। उसके बाद अब इस अजपा गायत्री को हम लोग जपेंगे, है ना। कोई भी काम हमको जब तक उसका कुछ एडवांटेज नहीं होगा तब तक हम क्यों करें, है ना। तो इसी कारण उसमें अजपा गायत्री का लाभ बता दिया गया है कि अजपा गायत्री होती है वो मुक्ति प्रदात्री होती है, ये हमको मोक्ष प्रदान करती है, और उसके बाद इसका संकल्प मात्र से पापों को मुक्ति प्राप्त कर लेता है जो भी जीव इसका अजपा गायत्री का, है ना, कि मैं अजपा गायत्री का जप करूंगा ऐसा वो संकल्प भी कर लेता है, तो क्या है वो पापों से मुक्त हो जाता है। अब उसके बाद वेद वेत्ता के, इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, योग वेत्ता के बारे में, है ना, यहाँ पर। और अब हम पढ़ रहे हैं वेद वेत्ता के बारे में। तो गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है। अब देखो ये जो गायत्री है उसी को क्या बोला गया है, ये प्राण को धारण करने वाली क्या है, प्राण विद्या है, महाविद्या है। इसको याद रखेंगे, प्राण विद्या किसको बोला गया है और इसी को इसमें महाविद्या करके कहा गया है ना। तो जो कुंडलिनी से उद्भूत है, मतलब इस गायत्री की उत्पत्ति किससे हुई है, कुंडलिनी से। इस प्रकार जो जान लेता है वही क्या है, वेद वेत्ता है। मतलब ये जो गायत्री है, जो अजपा गायत्री हम करते हैं, तो ये प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है, और इसकी उत्पत्ति कुंडलिनी से हुई है। इस प्रकार अगर जो भी जान लेता है वो क्या हो जाता है, वेद वेत्ता हो जाता है। जनरली हम लोग वेद वेत्ता का क्या मतलब समझेंगे, कि जो वेद की जानकारी रखता हो उसको क्या बोलेंगे हम, वेद वेत्ता। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है और इसकी उत्पत्ति कुंडलिनी से हुई है, इसके बारे में जो जान लेता है उसको बोलते हैं हम लोग वेद वेत्ता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। हाँ स्पीड नहीं हो रही ना क्लासेस? नहीं मैम। चलिए अब हमने कुंडलिनी के बारे में, हम कुंडलिनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कुंडलिनी को क्या है, परमेश्वरी शक्ति भी कहा गया है। और कहाँ पर कहा गया है कुंडलिनी को परमेश्वरी शक्ति?
हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ मैम, अच्छा चलिए, सॉरी, है ना, मैं लेफ्ट हो गई थी। आप लोगों ने आंसर किया क्या? अरे सॉरी, अब मेरे को तो दिखाई नहीं देता, है ना। चलिए, आंसर आया सबका कि क्या बोलते हैं, कुंडलिनी शक्ति को और क्या कहा गया है। 1 मिनट, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ, है ना, बताइएगा। प्रेजेंट हो रही मेरी स्क्रीन? नहीं अभी तक। दिखा? हाँ अच्छा, है ना। तो कुंडलिनी को इसमें कहा क्या कहा गया, बताइए, मैं नहीं सुन पाई थी, है ना, बताइए क्या कहा गया है। कुंडलिनी को के अन्य नाम बतलाए गए थे ना हट प्रदीपिका में। कोई भी एक माइक ओपन करके बता दीजिए। मैम, हट प्रदीपिका में तो उसको ईश्वरी, अरुंधति, और ऐसा टोटल वगैरह। 7 नाम हैं कुंडलिनी के, बताइए, एक एक करके बताते जाइए, ऐसे में सबको याद। कुटिलांगी था मैम पहला, कुटिलांगी, और कुंडलिनी, भुजंगी, शक्तिश्वरी, कुंडली, अरुंधति। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। परमेश्वरी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो अब कुंडलिनी को इसमें कहा गया है कि इसको परमेश्वरी शक्ति भी कहा गया है, और इस कुंडलिनी के 8 लपेटे हैं। बाकी जो हर प्रदीपिका ग्रंथ है, हमने उसमें क्या है, कुंडलिनी के 3.5 लपेटे के बारे में पढ़ा है ना। 3.5 लपेटे ही है ना उसमें, जैसा लो। जी हाँ, अब बताइए 8 लपेटे कहाँ कहाँ पर बोला गया है। आप लोगों ने हर योग के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, है ना। मैम, योग गोरक्ष, बीज और गोरक्ष योग नाथ। बीज। ठीक है ना। तो गोरखनाथ जी ने जिन ग्रंथों की रचना की गई है, उसमें कुंडलिनी के 8 लपेटों के बारे में चर्चा की गई है। अब उसके बाद इस कुंडलिनी को जागृत कैसे किया जाता है, तो वहनी योग, वहनी का मतलब ही अग्नि होता है ना, तो इस वहनी योग के द्वारा कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। फिर उसके बाद जागृत होने के पश्चात, जागृत होने के बाद कुंडलिनी मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। देखिए, ये कुंडलिनी यहाँ पर है अभी, है ना। तो जब वो जागृत हो जाती है, तो मन और प्राण वायु के साथ होकर के सुषुम्ना नाड़ी के भीतर, ये हमारा सुषुम्ना का पथ हुआ, है ना, ऊपर से नीचे की ओर ये जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर, यहाँ पर से कुंडलिनी जागृत हुई और यहाँ पर से ऐसे होते हुए सुई की तरह होकर के ये ऊपर की ओर चलती है। तो जिस प्रकार कुंजी के द्वारा, मतलब चाबी के द्वारा, जिस तरह से घर का किवाड़ खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी के द्वारा योगी है वो मुक्ति के द्वार को खोलता है। ठीक है, तो कुंडलिनी को क्या कहा गया है कि जैसे चाबी से हम घर के दरवाजे को खोलते हैं, किवाड़ को खोलते हैं, उसी प्रकार जो मुक्ति का द्वार बंद है, उसको ये कुंडलिनी शक्ति खोलती है। उसके बाद इसमें अब लाभ बताया गया। कोई अभी जुड़ा है क्या क्लास में? कोई अभी जुड़ा है क्या? हाँ मैम, मैंने ऐड किया। हाँ, देखिए, अगली बार से जो टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उन लोगों को मत ऐड कीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। मिनट, मैं लैपटॉप को चार्ज, कंटिन्यू है हम लोग। तो इसके बारे में अब इसका लाभ बतलाया गया है कि जो कुंडलिनी जागृत होती है, लाभ ना कह करके इसको हमको इसकी विशेषता कहना ज्यादा सही होगा, है ना, कि ये जो योगियों के लिए कुंडलिनी है वो मोक्ष देने वाली है और अज्ञानियों के लिए बंधन का कारक है। सेम एज इट इज, ऐसा एडवांटेज हमने कहाँ पर पढ़ा है और कहाँ हट पर पढ़ा प्रदीपिका में, है? हट हाँ, हाँ प्रदीपिका। पढ़ा है, ठीक है, एकदम तुरंत आंसर किया कीजिए, क्योंकि ये तो एकदम हट प्रदीपिका सब लोगों के जुबान में होनी चाहिए, है ना। ये हमारा आधार होता है, हट प्रदीपिका, घेरण संहिता और योग सूत्र। जब वो तीनों आपको अच्छे से याद होंगे,
तो आपको बाकी का जो हठ योग का ग्रह जो ग्रंथ और जो 6 बज जाता है ना, वो भी लगभग इन सबसे मिलता जुलता हुआ है। और जो योग कुंड सॉरी जो योग क्या है योग उपनिषद है वो सब भी पढ़ते हैं, उन सब का आधार भी कहीं मैक्सिमम चीजें उनसे मैच होती है। बस कुछ ही कुछ चीजों को हम लोग उनसे डिफरेंट पढ़ेंगे। तो जिनका भी अभी तक अगर हट प्रदीपिका और घेरण संहिता में कमांड नहीं है वो अच्छे से पढ़िए। मैंने मतलब मैं जब पढ़ी थी तो हर दिन लगभग एक बार हट प्रदीपिका और घेरण संहिता का रिवाइज करती थी। ठीक है, तो वैसे करके आप याद कीजिएगा। तो इसका क्या बतलाया गया कि योगियों के लिए ये कुंडलिनी मोक्ष देने वाली है और अज्ञानियों के लिए ही यह बंधन का कारण है। ठीक है, अब उसके बाद है इसमें प्राणायाम की चर्चा। तो देखिए इसमें आसन के बारे में हमने 2 आसन के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सा है, कौन कौन से 2 आसन है योग चूड़ामणि उपनिषद में, जल्दी बतलाइए। आसन और कमलासन, सिद्धासन और पद्मासन मैम, पद्मासन सिद्धासन और हाँ कमलासन करके है, उसी का और अन्य नाम था पद्मासन। तो इसमें आसनों की डायरेक्ट चर्चा नहीं की गई है ना, मतलब बाकी जगहों पर हम देखते हैं तो आसन के बारे में बतलाया गया, तो वैसे इसमें आसनों के बारे में डायरेक्ट नहीं बतलाया गया है ना, इसकी चर्चा हुई है बीच में, तो इस कारण से यहाँ पर 2 आसन के बारे में बतलाया गया है। तो उसके बाद है इसमें दिया गया है प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम हमको कैसे करना है, दृढ़ता पूर्वक पद्मासन में बैठना है, फिर हम लगाएंगे अंजलि मुद्रा, फिर हम लगाएंगे जाल, अंजलि मुद्रा लगाने के बाद क्या है जालंधर बंध लगाएंगे, ब्रह्म का ध्यान करेंगे और बाहर और श्वास भीतर, जो श्वास बाहर है उसको भीतर की ओर, एक मिनट, बाहर श्वास भीतर खींचे और बाहर निकाले। पहले क्या है श्वास इनहेल करेंगे, उसके बाद क्या है एक्सहेल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे पद्मासन में दृढ़ता पूर्वक बैठेंगे, फिर अंजलि मुद्रा लगाएंगे, अंजलि मुद्रा लगाने के बाद जालंधर बंद करेंगे, फिर ब्रह्म का ध्यान करेंगे और उसके बाद पूरब करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे रेचक करेंगे। इसको बोला जाता है प्राणायाम। बताइए अंजलि मुद्रा क्या होती है, किनको बताया अंजलि नमस्कार मुद्रा के बारे नमस्कार में? नमस्कार मुद्रा को अंजलि मुद्रा कहते हैं। जब नमस्कार मुद्रा को हृदय वक्ष स्थल में स्थापन किया जाता है उसको अंजलि मुद्रा कहते हैं। हाँ और हाँ जब कौन नमस्कार बता मुद्रा रहा को, है ये? हाँ मेरा नाम है अमित कुमार सौ। अच्छा ठीक है ना जी अमित जी। और इसके अलावा और किसी को पता है अंजलि मुद्रा के बारे में? अंजलि मुद्रा जब सर के ऊपर में रखते हैं तो उसको कैलाश मुद्रा कहते जाते हैं। ललाट पे जब रखते हैं उसको नमस्कार उसको प्रणाम मुद्रा कहा जाते हैं। जब बीचों बीच रखते हैं तो उसको नमस्कार मुद्रा कहा जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपने सही बताया है ना, ये चीज भी सही है। कुछ कुछ मुद्राओं के मतलब हम लोग अलग अलग जगह पर पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग बोला जाता है ना, मतलब नाम सेम अंजलि मुद्रा ही है। अब ऑथेंटिक कौन सा है ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि आपने भी किसी ना किसी बुक से पढ़ा होगा और मैंने भी किसी बुक से पढ़ा है ना। अंजलि तो जो स्वामी का मतलब होता है विवेकानंद जी निवेदन हैं करना। अंजलि का मतलब निवेदन करना, समर्पण करना, इसको होता है। करना, हाँ तो एक इसका और बोला जाता है जब हम लोग देखिए, हाँ दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ, दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही है? मेरा नहीं कैमरा मैम, शायद ऑन, अच्छा ठीक है, नहीं कुछ दिक्कत नहीं, चलिए मैं आपको देती हूँ है ना। तो उसमें जैसे हम ये भैरव या भैरवी मुद्रा बनाते हैं ना, तो अभी ऑन हो रहा है ना मेरा कैमरा, 1 मिनट अब दिखाती हूँ, अब मैं दिखी, हेलो नो मैम, मैं दिख रही हूँ, चलिए नहीं ठीक है ना। तो जब हम भैरव या नहीं भैरवी मुद्रा बनाते हैं तो उसको रखते हैं है ना, हाँ चलिए सुनिए सुनिए, जब हम लोग भैरव या भैरवी मुद्रा बनाते हैं तो उसको गोद में रखते हैं, एक हाथ गोद में में और रखते हैं। दूसरे हाथ, तो उसको गोद हम में लोग जब गोद में ऐसे सीधा ना रखते, जब ऐसे एक दूसरे के दामों का फोटो भेज दूंगी आप लोगों को है ना, तो उसको बोला जाता है अंजलि मुद्रा, मतलब हाथ हमारा ऐसे एक दूसरे के ऊपर टच है, मतलब जो ये मेरा सॉरी राइट हैंड है उसके आगे लेफ्ट हैंड को मैं ऐसे टच करा करके रखूंगी, मतलब जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसके नीचे मैं राइट हैंड को रखूंगी और उसके बाद डायरेक्ट इसको ऐसे गोद में रखूंगी।
जो फेस है मेरा पाम का फेस रहेगा वो मेरे नाभि की ओर करके रहेगा, मतलब मेरी ओर रहेगा, और उसको ऐसे गोद में रखते हैं, तो उसको भी अंजलि मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इन्होंने भी बताया है, ये भी सही हो सकता है, और मैंने भी जो बताया है वो भी मैं ऐसे भी ऐसे करके मैंने भी बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राणायाम हुआ, उसके बाद प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि ऐसे करना है, ये समस्या आया, और मास्टर बैठेंगे, अंजलि मुद्रा लगाएंगे फिर जाल, और इसको करते हुए ब्रह्म का ध्यान करेंगे, फिर बाहर जो श्वास है उसको भीतर खींचेंगे, और भीतर खींचने के बाद उसको बाहर निकालेंगे। ये भी हमारी प्राणायाम की विधि। अब उस प्राणायाम के अभ्यास से क्या है, जो पसीना निकलता है उसको क्या है, हम शरीर में मल देंगे। हर विधि में क्या कहा गया है, मतलब सेम यही चीज बोली गई है कि पसीना जो निकलता है उसका मैम अंदर निकल। आपका वॉइस नहीं आ रहा है मैम, और स्क्रीन भी नहीं प्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, एक मिनट है ना, ठीक कर लेती। अमित जी आप अपना म्यूट कर लो, शायद आपका दिख रहा है इसमें ऑन। अभी आ रही है मेरी वॉइस? अच्छा अभी क्लियर है मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, है ना। तो प्राणायाम के अभ्यास से क्या है, पसीना निकलता है और उसे शरीर में कर देना चाहिए। ऐसा हमने हार्ट का भी पढ़ा है कि जो प्राणायाम के वॉइस अभ्यास हो रहा है आपका, और स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है, आवाज इको हो रहा है, उस हेलो आवाज जो है वो इको हो रहा है, और स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। आवाज इको हो जा रहा है, वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, प्राणायाम आसन से उच्च अवस्था है। आप सब लोग म्यूट रखिए सही तो हमें समझ आएगा। हाँ, ये भी सही बोली। एक हाँ, एक मिनट, मैं ना चार्ज कर रही हूँ, मेरा ये लैपटॉप का वो ऑटो अपडेट ऑन रह गया था, तो सारा डाटा ये नहीं है, मैं चार्ज कर रही, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। तब तक आप में से प्लीज कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, और प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसका रिवाइज कर लेंगे। मैं तब रिचार्ज करके आ रही हूँ, है ना। जी मैम।
मैम ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो हम लोग लैपटॉप ले लेते हैं, वो बोली है। ओके जी, थैंक यू। होस्ट को ना स्टॉप करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, शांति पाठ करवा दो कोई।